हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपिल की जीके में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने धर्म कांटे का बिजनेस शुरू कर दिया है और आपने अपना धर्म कांटा लगवा लिया है तो आपको एक टैक्स फार्म भरना पड़ता है या आपको एक धर्म कांटे का टैक्स देना पड़ता है। वो आप कैसे देंगे और टैक्स फार्म कैसे भरेंगे, कैसे अपने धर्म कांटे की जो है लाइसेंस को प्राप्त करेंगे, और दोस्तों धर्म कांटा लगवाने के लिए आपको साल में एक बार टैक्स भरना पड़ता है, ये बातें सभी को नहीं पता होंगी। क्योंकि दोस्तों अगर इस बात की आपको जानकारी नहीं होती तो आपको जो है काफ़ी नुकसान खाना पड़ सकता है। तो दोस्तों धर्म कांटे पर अगर काम करते हैं आप, या धर्म कांटे से रिलेटेड आपका कोई ना कोई काम लगा रहता है, या आपका खुद का धर्म कांटा है, तो आपको यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धर्म कांटे का टैक्स कितने दिन में भरना चाहिए और आपका कौन सा धर्म कांटा है, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यूट्यूब पर धर्म कांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों अगर आपने अपना धर्म कांटा लगवा लिया है तो आपको जो है एक बार टैक्स जमा करना पड़ता है। दोस्तों आप जब टैक्स जमा करेंगे तो आपकी जो डिस्प्ले होती है इसमें जो है एक मोहर लगाएगा नाप तोल विभाग के अधिकारी जो आते हैं, वो आपका कांटा पूरा चेक करेंगे, आपके कांटे में कोई वेट वैल्यू का गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद वो आपके कांटे की डिस्प्ले में और इसमें जो है वेट जो है एक मोहर लगाएंगे अपनी, तब जाके आपका जो है कांटा एक साल के लिए मान्यता प्राप्त हो पाएगा। हर साल में आपको यह काम कराना पड़ेगा, आपको अपने धर्म कांटा रिनोवल कराना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स क्या देना पड़ेगा, आपका जैसा भी धर्म कांटा होगा आपको वैसा ही टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपका 60 टन का है, 40 टन का है, 80 टन का है, 100 टन का है, 120 टन का है, या 150 टन का है, चाहे जो भी हो, उसका अलग अलग एक टैक्स होता है। टैक्स दोस्तों सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, लेकिन आपको सही टाइम पर साल के अंदर ही आपको जमा कर देना, जिस डेट को आपने जमा किया था उस डेट के एक दो दिन पहले ही आपको साल के भीतर ही जमा कर देना है। तो दोस्तों अगर आपका 14 जो है आपका 150 टन का कांटा है तो आपको जो है लगभग 4000 रुपये टैक्स एक साल में उसका पे करना पड़ेगा। ज़्यादा टैक्स नहीं है दोस्तों, एक साल में 4000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, आपको मोहर लगवानी पड़ेगी बस, और भी कुछ नहीं करना है। अगर आपका छोटा कांटा है तो 3000 2000 इस तरीके के आपको टैक्स जो है पे करने पड़ेंगे साल में एक बार। तो दोस्तों इस टैक्स को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक जो है लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा पर्चा, यहाँ पे दोस्तों मैंने ये टैक्स जो है 6/3/2022 को भरा था, अभी मैं अभी नहीं भरूंगा तो मैंने इसमें थोड़ा लेट कर दिया था, आपको दिख रहा है। तो मैंने जो है यहाँ पर टैक्स 16,250 रुपये भरा, क्योंकि दोस्तों इसका मुझे जुर्माना देना पड़ा। अगर आप एक साल के अंदर अंदर टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको इसका जुर्माना भी देना पड़ सकता है, वो जुर्माना आपके टैक्स से दोगुना तिगुना भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टैक्स जो है आपको साल के भीतर ही जमा कर देना है, ना आपको विभाग के अधिकारियों से मिलकर, वरना आपका जो है 10-20,000 से ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। जितने दिन आप लेट करेंगे आपको टैक्स के लिए उतना ही ज़्यादा जुर्माना पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों धर्म कांटे के बिजनेस में आपको कोई ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, सिर्फ नाम मात्र के लिए जितनी ज़्यादा इनकम होती है उसके हिसाब से सिर्फ आप नाम मात्र के लिए आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आप लोग ध्यान रखें कि आपको धर्म कांटा बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप साल भीतर ही टैक्स जमा कर दें, आपको एक साल के अंदर ही अपने धर्म कांटे का टैक्स जमा कर देना है, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि धर्म कांटे पर इस तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।